बस बढ़िया चल रहा है। कहाँ हो तुम शादी के सिलसिले में? राजा राम भी गए थे। मेरे को बोला था लेकिन मैं गया नहीं। जाना चिल्लाना कुछ मिल जाएगा क्या यार? जाके माथा पच्चीसी करना पड़ता है। ये पकड़ पकड़ के ला रहा है, पकड़ पकड़ के ला रहा है जबरदस्ती। इनसे लाएगा ना भाई, पैसा लगाने वाले तो वही सब है ना। रुको भाई, एक नंबर रुको। अरे दे देते जब हम ले भाई। कैसा लगा आपको फिल्म देख के? एकदम नंबर लगा सर, सुपर स्टार बिहार का बुलेटिन, बिहार एकदम जबरदस्त। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा बोलो तो आपका बोले तो सुपर है, एकदम अच्छा फिल्म बनाया है। एक्शन वो का फाइट अच्छा लगा, डांस डांस एकदम जबरदस्त, डांस भी अच्छा लगा। और सब सबसे अच्छी चीज उसमें ये दिखाया है कि मतलब कोई मतलब भोजपुरी में जैसा फॉल्स सीन ये सब दिखाई देता है, ये सब नहीं दिखाया था। जैसे मतलब हिंदी मूवी नहीं करता उस हिसाब से दिखाया है, और बहुत बहुत अच्छा भी दिखाया। एकदम नंबर वन का फेमस कैसे लगा? एकदम नंबर वन लगा, खिलाएंगे पुआ इसको। अच्छा लगा, गाना भी बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग है। आपको कैसा लगा फिल्म देख के? सोचा था अच्छा क्या लगा? मुझे लगा बुरी है, मुझे लगा आई नहीं देखा। बारे पिक्चर लगा बारे पिक्चर लगा, उसमें हीरोइन का बहुत अच्छा काम किया, हीरोइन बहुत अच्छी, हीरोइन मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा लगा, नीरव का भी डायलॉग लिया पूरा अच्छा लगा, पूरा अच्छा लगा हम लोग को। हां लंदन पे नीरव जा के कितना नंबर देंगे? हां 5 में से 10 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर चाहिए इसमें। आपको कैसा लगा फिल्म देख के? फिल्म अच्छा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? भाई स्टोरी अच्छी है, अच्छा है। देखो भाई पार्ला है, कितने स्टार देना चाहोगे? फिल्म बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी बनी है, मुझे काफी पसंद आई भाई। नंबर वन देता हूँ, पाँच में से नंबर। आपने देखा फिल्म कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? दिनेश लाल का गाना, गाना हुआ तो कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अमर पाली कैसे लगी? अच्छी लगी। सबसे अच्छा क्या लगा, डांस या गाना? गाना भी अच्छा है, डांस भी अच्छा है, और फाइट फाइट भी अच्छा है। अच्छा छठ पूजा लगा? सब चीज ऐसे बढ़िया है। अच्छा छठ पूजा लगा? छठ पूजा का गाना बहुत अच्छा लगा, अमरपाली ने बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा सजाया उसमें, बहुत अच्छा लगा था। हाँ अच्छा, गाना भी अच्छा लगा, अमरपाली गाना भी अच्छा गाइए, फाइटिंग उतना अच्छा नहीं। लंदन कैसे लगा? लंदन ठीक है, पैसा वसूल है, ऐसा फिल्म बनना चाहिए? हाँ ऐसे ही बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पारिवारिक पिक्चर था साहब, इससे भी बढ़िया बनाना चाहिए। रोमांटिक्स था उसमें, अमर पाली और नीरव जी का वो मस्त शूटिंग होगा, पिक्चर तो मस्त हुआ, सब अच्छा था, बढ़िया, सब लोग को अच्छा लगा, पिक्चर बढ़िया की रहेगी, सबसे बढ़िया पिक्चर है, सब कुछ अच्छा, सब डांस फाइट गाना सब अच्छा नंबर का ही,
सब बढ़िया है। निरुआ जी से कहना है ऐसी मूवी करते रहे, हम लोग देखते रहेंगे। सब भोजपुरी सब बढ़िया पिक्चर है, आशीर्वाद है उनके लिए। निरुआ जी आपका इंटरव्यू देखेंगे क्या? हां बोलो 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 कहेंगे। और ऐसी उनके गांव गए थे हम लोग, गाजीपुर गए थे। बोलो और इससे बड़ी बड़ी मूवी बनाए, हम लोग देखने के लिए तैयार है। पार्ट 2 बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, उससे अच्छा बनना चाहिए, उससे अच्छा बनना चाहिए। बहुत अच्छा, पैसा वसूल हो गया हम लोग का। 5 में से कितना नंबर दोगे? 5 में से 5 पूरा जितना रहेगा। 5 स्टार देंगे, 5 स्टार हम। 5 में कितना नंबर दोगे? 5 देंगे, पूरा पूरा, आप पूरे का पूरा देंगे, पूरा 5 पूरा पूरा। परिवार में देखने लायक है पिक्चर, बहुत अच्छी है। उनको बोले हम लोग को भी लंदन घुमाएं थोड़ा, परिवार अच्छा है ना, बढ़िया, सब लोग दे सके, कोई टेंशन है, बढ़िया है। असली पिक्चर एक अच्छी है, और यूएस सर्टिफिकेट इसको मिला है, और ये फैमिली के साथ देखने लायक पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर, पारिवारिक पिक्चर है। और जो भोजपुरी अस्मिता का दाग लगता है उससे मुक्त है। चलो चलो रिलीज हुई है पब्लिक के साथ, आप लोग भी देखा क्या करना चाहिए? नमस्ते, मैं हूँ सोनू खत्री, और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा फिल्म, और यहाँ पे जनता है, इन लोग ही बोलेंगे फिल्म कैसा लगा। और जहाँ तक ये पूरा पब्लिक के साथ में मैंने फिल्म देखी है, और पूरा पब्लिक ने फिल्म को एंजॉय किया है। और अभी उससे मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर बोलेंगे फिर कि सब सोनू खत्री खत्री बोल रहा है बोल के, तो उससे बेटर क्या जनता बोलेगी कि इन लोगों ने फिल्म देखा है। आप लोगों का कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने फिल्म मेकिंग के लेके आपने जो सोचा था वो फिल्म बनने के लिए जी, तो सोच से कितना अलग और कितना हद तक नहीं? आवाज बंद हो गया। फिल्म एक हिसाब से बोले तो अलग ही एंटरटेनमेंट फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, पूरा फैमिली बैठ के देख सकती है फिल्म। और जहाँ तक हम लोग ने मेहनत किया है पूरा टीम ने, अभी देखिए आज रिलीज हुआ है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। जबकि आज मैंने पहला शो देखा है पब्लिक के साथ में, तो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी पब्लिक और काफ़ी मज़ा आ रहा था। इवन लेडीज़ वगैरह भी बहुत सारी थी वहाँ पे, है ना। तो आगे भी अगर पब्लिक और फिल्म को और सपोर्ट करेगी, प्यार करेगी पब्लिक, और अच्छा रिस्पांस देगा, तो देखें निरवा चला लंदन 2 भी बनाने की प्रयास करेंगे हम लोग। अभी पब्लिक ने बताया कि अश्लीलता मुक्त है या फिर? हाँ, मैं जितना भी फिल्म बनाऊंगा मेरे फिल्म में यही रहेगा, क्योंकि मैं मेरा थिंकिंग, मेरा जो सोच है, मतलब अश्लीलता जो है उससे बहुत दूर दूर हूँ मैं। और मैं आगे भी चाहूँगा कि मैं इससे भी बेटर फिल्म बनाऊँ और अच्छा मैं करने की कोशिश करूँ। अभी इससे तो मुझे आप पूछेंगे, उससे ऐसा तो पब्लिक से पूछिए, आप पब्लिक ही बताएगी कि मतलब कैसी है क्या है। आपने देखा फिल्म? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा इस फिल्म? सबसे अच्छा सर फाइट सॉन्ग सब बढ़िया लगा सर, इससे हम बहुत बहुत खुश हैं। और जो है अक्सर जो हम अपने त्यौहार में देखते हैं, वो त्यौहार में वो चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो चीज़ छठ पूजा। और सबसे बढ़िया गाना लगा जो है हम रूपाली दुबे जी का लंदन। तो सर हम खैर सामने से तो देखे नहीं है, सामने से तो लंदन गए नहीं है, अब लंदन जैसे देख रहे हैं उससे तो हमको बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से हमारे सर वहाँ घुमाए उसमें सर मेरे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई को सपोर्ट दिया लंदन से लेके आई लड़की को, हीरोइन लंदन से इंडिया आई, कैसा लगा? इंडिया बहुत अच्छा लगा, ये साहब के चलते आया। सर का पब्लिक बहुत खुश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि पूरा पब्लिक जितने भी है, मेरे ऑडियंस, मेरे भोजपुरी समाज, सब लोग मुझे प्यार दे, हमारे ऑडियंस हमारे फिल्म को प्यार दे, और बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे चले, बहुत आगे तक। 4 हफ्ता 51 डेज मैंने भोजपुरी सिनेमा में, तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी क्या है फिल्म का माहौल बहुत अभी, मतलब आप लोग तो सब जानते ही हैं थोड़ा मतलब वो है, तो इस में अभी जहाँ तक हम लोग ने इसको अभी ये हालत में हमने रिलीज़ किया है, इसको पब्लिक बहुत सारा प्यार दे, और मतलब बहुत सारा ही प्यार दे, तो इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। फोटो क्यों ले रहे हो भाई? पोस्टर के साथ ले रहे हो? एक ऐसे ले लेते पीछे।